गुड इवनिंग गाइस। भाई आज जा रहे हैं अपन अपने बाइक की डिलीवरी लेने के लिए। अभी जाके देखते हैं, अंकल ने बाइक पूरी रेडी करके रखी है। फ़ोन वगैरह आया था मेरे को, जाके मैं और एक फाइनल टेस्ट ड्राइव लेगा और लुक के लगा सीधा ले लेंगे गाड़ी। मैंने टोकन तो दे के रखा था वैसे भी कल अंकल को, तो आज बस जाके अपने को गाड़ी ले लेनी है। चलिए भाई सीधा मिलते आपको वहाँ पर। जाते जाते मेरे को बैंक में से कैश भी निकालना है, पहले ब्लैक का धंधा होता है ना भाई सब अपने इधर। भाई SBI के ATM में गया था अभी, इतना अच्छा सर्विस है भाई, दिल से एक ही बात निकल जाए भाई, थैंक यू विजय माल्या, बहुत अच्छा किया विजय माल्या ने। सारे दोस्त आ गए भाई, एक दो दोस्त बाकी है, उधर पहुँचेंगे तो ठीक है, जॉब पे वो पवन अभी तक, कभी आएगा पता नहीं। बाकी फिर से और एक ATM में गया मैं SBI के, अभी मेरे को नीरव मोदी को भी थैंक यू बोलने गए, अच्छा किया। नहीं रुक, मैं टेस्ट ड्राइव ले रहा हूँ और एक। हाँ बैठ ना, हाँ ले भाई, एक लास्ट टेस्ट ड्राइव मार के देखते। आया रुक, MTNL से ही पकड़ के बेटा, छुपता है पीछे, गिरेगा। आइए देखो फाइनली भाई टेस्ट ड्राइव ले ली मैंने, सब ओके। गाड़ी देखो भाई, बाकी पूरी चमक रही है भाई, सब पार्ट्स नए डाले, एक पार्ट भी पुराना नहीं है भाई। ये देखो यहाँ पे भी कुछ पुराना नहीं, इवन शॉक अब्जॉर्बर भी पुराना है। ये देखो ऑल ओके भाई, डिलीवरी अपन ने, थैंक यू भाई। चल भाई चलो, आज देखते कितने में फुल होता है ड्यूक, सादा वाला टका। कम से कम 1300 तक जाएगा मेरे को लग रहा है। बस भाई 900 के पहले ही रुक गया, अभी और थोड़ा जाएगा। बस बस, बाकी एयर के लिए जगह रखो थोड़ा भाई। 948 में तो फुल हो गया मेरा गाड़ी भाई, टंकी फुल हो गई अपनी। ट्रिप वन है अपना 3906। चलो देखते फुल टंकी पे कितना चलता ही है। आज तो नहीं होगा ख़त्म पूरा, अपन ख़त्म जब होगा तब देख लेंगे, पर तो तेरे को वो हो जाए बैलेंस जाए भाई। पहली बार अपनी गाड़ी अब उपवन आई है, आज ओपनिंग हो गया गाड़ी का। पैसा वसूल। एक छोटा सा भाई इसका सेंसर का इशू है, बट अंकल ने बोला मैं करके दे देगा, कुछ वांदा नहीं है। इसका ABS है ना, फ्लक्चुएट होता है भाई, गाड़ी थोड़ा हीट हुआ है, फ़ैन ऑन हुआ ना, तो ABS का लाइट आ जाता है, मतलब ABS छोड़ दे रहा है, वर्क ही नहीं कर रहा है, या सिर्फ लाइट का इशू है। वो प्रॉपर कल वो सब सिस्टम में चेक करेंगे तभी समझेगा, KTM के सर्विस सेंटर पे, या तो फिर वो जो मैकेनिक को बोल रहे हैं उसके पास। बाकी भाई गाड़ी तो बीस्ट है, पुरानी ड्यूक का रॉ इंजन ऐसे ही फेमस नहीं है भाई, गाड़ी बीस्ट है भाई पूरी, एक सेकंड में ऐसा स्पीड पकड़ती है ना भाई, क्या बताओ भाई। बाकी इसका पेट्रोल तो सस्ते में फुल हो गया यार, मेरा बुलेट ज़्यादा पेट्रोल खींचता है इससे। फिर मैं पढ़ा था कुछ 11-13 लीटर का टंकी है इसका, गूगल पे पढ़ा था। हाँ बट पहले से भी इतना तो था नहीं, रिजर्व विजर्व कुछ नहीं सब है, स्पोर्ट्स वोट्स में काय का रिजर्व, R15 में भी नहीं था रिजर्व वो ज़माने में भी। पूजा चालू भाई नई गाड़ी की। दादी पूजा करेगा अभी, डैडी है मेरे। मेरी बहन ने बाइक खरीदी, चालू नहीं करने आ रही, कर चालू। अरे बटन बोलने गेट ना कर। बटन नहीं, चालू कर। चाबी भरा हो। चाबी फिरा, फिरा चाबी और फिरा उसको। हाँ ये झटका ना दे भाई। बहुत लोग सोचते होंगे कि एक ड्यूक ली और इतने सारे वीडियो बनाए तूने, क्या मतलब क्यों ऐसा। भाई खुशी होती है, एक आप लोग से शेयर करने अच्छा लगता है, और भाई ड्यूक मतलब अपने जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है भाई। बाकी बड़े बड़े लोगों की तो बात अलग है भाई, वो लोग तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लेते रहते हैं, अपन भाई बाइक्स पर ही खुश है, और मेरे को बाइक्स का ही शौक है। बस मेरी एक ड्रीम बाइक है यामाहा R1, वो किसी दिन मेरे को लेनी है, और मैं पक्का लेके रहेगा, देख लेना।
सो ओके गाइज, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।